हाँ जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जितने भी स्टूडेंट 9th क्लास से लेकर 12th क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं, मेरा उन स्टूडेंट से ये कहना है कि वो उनकी जो नोटबुक्स चल रही है सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो वो उन नोटबुक के साथ साथ एक अलग से नोटबुक बनाए और ये नोटबुक बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बनाए। इस नोटबुक में आप वो सभी फॉर्मूला नोट कीजिए जो चैप्टर्स में आते हैं, चाहे वो फिर फिजिक्स की बात हो या फिर मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में जितने भी टॉपिक आप पढ़ते हो चैप्टर वाइज, वो आप नोटबुक में फॉर्मूला जो आपने नोटबुक बनाई है उसमें नोट डाउन करते जाइए। और साथ साथ अगर कोई इम्पोर्टेंट लॉजिक उस टॉपिक के अंदर है तो आप उसको भी फॉर्मूला के साथ ही नोट कीजिए। जैसे कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो अगर किसी वायर का स्ट्रेच किया जाए वायर को, तो उसके रेजिस्टेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। बट यहाँ पर लॉजिक वाली बात यह है कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसके साथ साथ वायर पतली भी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी कम हो जाता है। आप इन चीज़ों को पॉइंट बनाकर लिखें कि ऐसा ऐसा इस टॉपिक में होता है, और फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए। तो इससे होगा क्या, जितने भी आपके फॉर्मूला आते जाएंगे, आगे जाकर जब आप नीट का एग्ज़ाम्स देंगे और आईआईटी की तैयारी करेंगे, तो उसमें जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये समझ आ जाएगा कि इस फलाने क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला सेट होगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इस क्वेश्चन में इस टॉपिक के अंदर ये वाला लॉजिक था, तो ये भी मेरे को साथ में ध्यान रखते हुए इसको सॉल्व करना है। दूसरा, आप जितने भी टॉपिक कवर करते जाते हैं उन सब के डायग्राम अच्छे बनाए, साफ और सुंदर होने चाहिए, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इन फिजिक्स आप मोस्टली हर टॉपिक का एक डायग्राम बना सकते हैं, अगर बुक में डायग्राम नहीं भी है तो भी उसका डायग्राम बनाना पॉसिबल होता है। तो आप डायग्राम की हेल्प से टॉपिक को कवर कीजिए। बाय चांस अगर आप टॉपिक को भूल भी जाते हैं और आपको उस टॉपिक का डायग्राम आता है, तो आप आधा टॉपिक तो डायग्राम की हेल्प से ही उसकी थ्योरी बना के आप बड़े आसानी से उसको लिख सकते हो, बट डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, और गलती ये कर देते हैं कि डायग्राम्स को सिर्फ वो ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, उनको बनाने की कोशिश नहीं करते। तो आप इसमें आलस्य ना करें, आप डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बना कर देखें और बार बार बनाएं। तीसरी बात, आप जितने भी टॉपिक को कवर करते जाते हैं फिजिक्स के अंदर, हर एक टॉपिक का ग्राफिकल रिलेशन कभी मिस मत करें, क्योंकि ग्राफिकल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम्स में आता रहता है, और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके अंदर तो ग्राफिकल रिलेशन के क्वेश्चन आते ही हैं। चाहे फिर वो किसी भी क्लास के लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, तो उस एग्ज़ाम्स के अंदर वो क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल रिलेशन आप हमेशा याद रखें कि दो क्वांटिटी के बीच क्या उनका ग्राफिकल रिलेशन था, ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा था, पैराबोलिक था, स्ट्रेट लाइन था, किस तरीके से था। तो हर एक चीज़ का आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए।
और उस टॉपिक का बाद में जाके क्या रिजल्ट निकलता है वो बातें भी आपको पता होनी चाहिए। और फॉर्मूला के साथ साथ आपको एक चीज़ पे और ध्यान देना है, जो भी फॉर्मूले आपने राइट डाउन किए हैं अपनी नोटबुक के अंदर, अब उनको लर्न करना है। लेट अस कंसिडर एक यूनिट में मान लीजिए 30-40 फॉर्मूले आपके बनते हैं, तो वो 30-40 फॉर्मूले आपको आने चाहिए, चाहे फिर वो कितना ही छोटा फॉर्मूला हो या चाहे कितना ही बड़ा फॉर्मूला हो। आप उसको लिख के देखें और बिना कहीं पर देखे उसको आप लिखना शुरू करें। अगर आप कहीं पर उसको भूल जाते हैं लिखते टाइम, तो तुरंत अपनी फॉर्मूला नोटबुक ओपन कीजिए और उस फॉर्मूले को दोबारा से लर्न कीजिए। ऐसा करने से आप उस फॉर्मूले को फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो कुछ फॉर्मूले मिलते जुलते होते हैं, उनको एक जगह पर लिखें और एक ही जगह पर लिखकर उनको आपस में कंपेयर करें कि इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का स्क्वायर है और इस फॉर्मूले में ओनली डिस्टेंस है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं। सो कन्फ्यूजन में ना रहे। सो थैंक यू गाइज।